हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ में किचन की टिप शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, बट मैंने यहाँ पे दूध थोड़ा सा गिरा दिया है आप लोगों को बताने के लिए। जब भी आप दूध गर्म होने के लिए रख देते हो तो कभी ना कभी कुछ काम में लग जाते हो और दूध ना गिर ही जाता है। तो दूध ना गिरे इसीलिए यहाँ पर मैंने पक्कड़ रख दिया है, और आप चाहे तो कलची भी रख सकते हो, चम्मच भी रख सकते हो, जिससे दूध में उबाल भी आ जाएगा और जो दूध का उबाल आता है ना, वो इस पक्कड़ और चमचे में लग करना वहीं का वहीं वो नीचे बैठ जाएगा और आपका दूध गिरने से बच जाएगा। मैंने यहाँ पे दूध गिरा लिया है क्योंकि ये मुझे वीडियो बनाना था। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप चम्मच या पक्कड़ इस पर रख दो और दूसरे काम में लग जाओ कि दूध नहीं गिरेगा। दूध तो नहीं गिरेगा आपका, लेकिन बॉईल होते होते दूध आपका क्वांटिटी में कम हो जाएगा। दूध की आप बासुंदी भी बन सकती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ये किचन टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है कि दूध ना गिरे। दूध गिरने से आपका दूध की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और जो गैस का ओटा होता है वो भी गंदा हो जाएगा। तो दोनों ही काम से आप बच सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं एक टिप्स बताई हूँ फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने मैदा गूंदा है भटूरे बनाने के लिए। यही टिप्स आप गेहूं और ज्वारी की आटा बनाते हैं ना रोटी, तभी भी आप यूज़ कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है ना, जल्दबाजी में थाली में बहुत सारा आटा लगा हुआ रहता है, फिर वो थाली ना बहुत गंदी लगती है फिर दिखने में, और धोने में भी वो कड़क हो जाता है आटा, तो बहुत मुश्किल होता है फिर वो प्लेट थाली धोने में। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, तुरंत ही पानी का छींटा मार के ये सारा आटा निकाल लेती हूँ और इस आटे में मिक्स कर लेती हूँ। इससे थाली भी एकदम क्लीन लगती है और रोटी बनाने में भी अच्छा लगता है, ऐसा ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। और दादी और नानी भी कहती थी कि आटा कभी भी गूंदना हो तो आटे की जो प्लेट होती है जिसमें अपन आटा गूंदते हैं वो हमेशा सफ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब अपन शादी के बाद जाते हो ससुराल में तो फिर वहाँ के लोग, वहाँ के सास ऐसा ना कहे कि आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं है, कि ऐसा होता है था पहले फ्रेंड्स। तो मुझे ये टिप्स मुझे मेरी बड़ी माँ ने दिया था कि मैं अच्छे से ऐसे थाली को सफ़ा करूं, तब से मैंने ये बात को हमेशा याद रख लिया है। जो भी न्यू जनरेशन होती है ना फ्रेंड्स, ये टिप्स उनको बहुत काम में आएगी। क्या होता है ना, वो स्कूल कॉलेज पढ़ाई के चक्कर में किचन में बहुत कम काम करते हैं। हम मम्मियाँ ही उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाए यही उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो हम उन्हें किचन की ज़्यादा बातें नहीं बताते हैं। बट ये टिप्स बहुत काम की है शादी हो जाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरी टिप्स बता दी है, और यहाँ पे मेरी तीसरी टिप्स है फ्रेंड्स, कांदा। कांदा आजकल ना बहुत गंदे आ रहे हैं, बहुत गीले भी आ रहे हैं, और जब कांदे को छीलते हैं ना तो बहुत आंसू भी आ जाते हैं कांदा काटते समय। तो यहाँ पे आपको मैं कांदा बता रही हूँ कि कांदे का जो पिछला साइड होता है ना फ्रेंड्स, इसको कभी मत यूज़ कीजिएगा। ये डालने से क्या होता है ना, एसिडिटी हो जाती है ज़्यादातर। ये कांदे के पीछे होता है, लेकिन कभी कभार ये पूरे कांदे के अंदर भी ऐसे लाइन बन के आ जाता है ना, तो आप इसे भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी कुछ काम का नहीं होता है, बस आपको एसिडिटी दिला देता है। और कांदा काटते समय उसको छिलटा निकाल कर आप उसे थोड़ा देर के लिए पानी में भिगो के रख दोगे ना, तो जब कांदा आप काटेंगे तब आपकी आँखों में पानी आंसू नहीं आएगा। तो ये रहे मेरी टिप्स, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी ये टिप्स को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। आप ये टिप्स पहले आजमा लो फ्रेंड्स, फिर आके कमेंट्स कीजिएगा कि ये मेरे टिप्स काम की थी या नहीं काम की थी। अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी चौथी टिप्स, अक्सर मैं ना ये छोटे ही पॉट में मसाला पीसती हूँ, जो भी मुझे पीसना हो, सूखा गीला या और भी कुछ। क्या होता है ना, ये छोटा जो पॉट है ना वो कहीं पे भी आसानी से जल्दी से मार जाता है, तो मैं हमेशा इसी से पीसती हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों भी बड़े वाले पॉट है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो इसी से पीसते पीसते इसकी धार जो है ना वो बहुत ही कम हो जाती है, जल्दी इसमें मसाला बारीक नहीं होता है। तो मैं बीच बीच में क्या करती हूँ, उसमें नमक डालकर
इसको घुमा लेती हूँ। यहाँ मैंने आपको कम नमक डाल के बताया है, आप इतना नमक डालिएगा कि इसके पूरे ब्लेड जो है वो नमक से कवर हो जाए। फिर इसे आप बस 3-4 बार चला लीजिएगा, आपकी ब्लेड में धार आ जाएगी, ना ही आपको ब्लेड बदलने की झंझट, ना ही आपको दुकान पे ले जाने की झंझट कि इसके ब्लेड काम नहीं कर रहे। वही टिप्स जो कैंची से भी आप यूज़ कर सकते हो, कैंची को भी आप नमक के बर्तन में या फिर गिलास में या किसी भी चीज़ में आप ले लो और कैंची को ऐसे 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 धार बना लो, तो कैंची को भी अच्छी तरह से धार आ जाएगी। क्या होता है ना, लेकिन मिक्सर के पॉट को जल्दी धार आ जाती है फ्रेंड्स, और कैंची को थोड़ा वक्त लग जाता है, क्योंकि कैंची को हाथ से चलाना पड़ता है नमक के ढेर में, और मिक्सर का पॉट 2-3 बार घुमा लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। तो ये रही मेरी टिप्स, अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। आज मैंने पहली बार किचन टिप्स इस तरह आप लोगों के साथ में शेयर की है। बहुत डर लग रहा था, पता नहीं आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आएगी या नहीं, पर ये टिप्स मैं हमेशा अपने घर में यूज़ करती हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ मेरी 6वीं टिप्स है, जब भी आलू, अंडे या और भी कोई चीज़ बॉईल होने के लिए रख देते हैं ना, उससे क्या होता है ना, जिस बर्तन में बॉईल होने के लिए रखते हैं ना, वो बर्तन जो है वो बहुत काला, बहुत गंदा हो जाता है, और वो घसने से भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि कभी कभार जल्दबाजी में बर्तन धो लेते हैं, तो कभी कभार उस बर्तन में तुरंत ही कुछ सब्जी वगैरह बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना, वो बर्तन और भी गंदे और काले हो जाते हैं, तो वो घसने से भी नहीं निकलते। तो ये टिप्स मुझे बहुत देर से पता चली है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि जब भी कुछ चीज़ बॉईल होने के लिए रख दोगे ना, उसमें आधा नींबू या फिर कोकम या फिर थोड़ी सी इमली डाल दीजिएगा, उससे क्या आएगा ना, अपने बर्तन जो है वो काले नहीं पड़ेंगे। ये मेरी भाजी या रेसिपी बनाने की कढ़ाई है, जिसमें मैं हमेशा आप लोगों को एक एक नई नई रेसिपी बना के बताती हूँ। तो इसमें अगर कभी कभार मैंने कुछ बॉईल कर लिया है ना, तो ये टिप्स मैं यूज़ करती हूँ इसमें। तो ये कढ़ाई को मैं जब तुरंत घस लेती हूँ तो ये सफ़ी भी हो जाती है। तो एक बार आप ये टिप्स ज़रूर आजमाइएगा। मेरी अगली टिप्स है 7वीं टिप्स फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे पास में चाय छन्नी है, जो कि मैं एक्स्ट्रा की घर में ला के ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, छन्नी जो है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो मैं उस छन्नी को रीयूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। छन्नी को मैं जब भी आप खाना खाते हैं तो प्लेट में जो भी झूठा बच जाता है तो वो सीधा बर्तन वॉश बेसिन में ले जाके नहीं रखती हूँ, मैं इस छन्नी को यूज़ करती हूँ मैं तब। और सीधा ही अगर बर्तन को वॉश बेसिन में ले जाके रख देते हैं ना, तो उससे जो भी झूठा लगा हुआ होता है ना, वो पूरा वॉश बेसिन में गिर कर वॉश बेसिन जो है वो चौकअप हो जाता है। और ऐसे ही फिर चाय पत्ती जो होती है ना, वो भी सीधा अगर वॉश बेसिन में डाल देते हैं ना, तो उससे भी वॉश बेसिन जो है वो चौकअप हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह की जो मेरे पास वेस्ट है, छन्नी होती है ना, जो कि बहुत पुरानी हो जाती है चाय छान छान कर, तो ये छन्नियों को मैं उठा के रख लेती हूँ, इसका मैं रीयूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको थाली में चावल डाल के बता दी हूँ, नूडल्स रख दी हूँ मैंने, क्योंकि झूठा तो ऐसे ही होता है ना, तो ऐसा सीधा थाली वॉश बेसिन में ना रख के आप इस पानी को छन्नी के सहायता से छान लीजिएगा और फिर बर्तन वॉश बेसिन में रखिएगा। इससे क्या होता है ना कि वॉश बेसिन गंदा भी नहीं होता है और चौकअप भी नहीं होता है, और ये जो छन्नी का फिर झूठा होता है वो सीधा डस्टबिन में उठा के डाल दीजिएगा, तो आपका काम भी ईजी पड़ जाएगा, जब बर्तन धोते समय ज़्यादा आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, और इस छन्नी का रीयूज़ हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे पुरानी छन्नियों को उठाकर रख लेती हूँ, और इस छन्नियों को बस मैं थोड़े 8-10 दिन के बाद मैं इस छन्नी को भी फेंक देती हूँ, फिर जो और छन्नी होती है जो चाय छानने की जो जूनी हो जाती है, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह मैं छन्नी को रीयूज़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर जो वीडियो है मैं बनाऊं और वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी तरह मैं एक्स्ट्रा की छन्नियों को ला के रख लेती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरी आखिरी टिप्स है,
वेस्ट पॉलीथीन। जब भी घर में कुछ भी सामान वगैरह आता है ना, तो मैं ये सारे के सारे पॉलीथीन को उठा के जमा करके रख लेती हूँ, चाहे वो ब्रेड के हो, नूडल्स के हो, शक्कर, साबुदाना या फिर दाल वगैरह जो भी होती हो ना, बड़ी छोटी पन्नी, वो सारे के सारे मैं उठा के रख लेती हूँ। जब भी ऐसे झूठा जो भी बच जाता था ना खाना खाए बाद में, जो डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो मैं सीधा डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, मैं इस पन्नी में जमा करती हूँ, फिर उस पन्नी को उठा के मैं डस्टबिन में रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, डस्टबिन धोने में बहुत ईजी पड़ता है, वो जल्दी से साफ भी हो जाता है। और अगर ऐसे ही आप झूठा डस्टबिन में डाल दोगे ना, तो वो गीला कचरा से ना डस्टबिन में बहुत स्मेल आएगी, और फिर वो डस्टबिन ना रोज़ की रोज़ आपको साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप पॉलीथीन यूज़ करोगे तो आपका डस्टबिन भी क्लीन रहेगा और क्लीन करने में आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये रही मेरी आखिरी, सॉरी फ्रेंड्स, वो मेरी आखिरी वीडियो नहीं थी, इसके बाद मैंने दो वीडियो और बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट शेजवान की बोतल ली है फ्रेंड्स। हर महीने मेरे घर में शेजवान की बोतल आती ही है, क्योंकि मेरे बच्चों को शेजवान बहुत पसंद भी है। तो यहाँ पे शेजवान की बोतलों को मैं फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स, उसे मैं अच्छी तरह से गर्म पानी में धोकर उसे मैं यूज़ करती हूँ गर्म मसाले के लिए। तो क्या होता है ना, गर्म मसाले किस डिब्बे में रखे हैं तो आसानी से पता चल जाते हैं बॉटल्स में अगर रखे तो। इसके ऊपर का जो शेजवान बॉटल का कवर है ना, मैं इसे निकाल लेती हूँ ताकि इजीली पता चले कि मुझे कौन से बॉटल में कौन सा मसाला रखा हुआ है। तो इस तरह मैं शेजवान बॉटल का रीयूज़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये जो कवर है ना शेजवान बॉटल्स का, वो बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। बस 5 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में बॉटल को भिगा के रखो तो कागज़ नरम हो जाता है और इजीली निकल भी पाता है। तो ये रहा मेरी 9वीं टिप्स, वेस्ट शेजवान बॉटल को मैं रीयूज़ कैसे करती हूँ। ये किचन टिप्स है फ्रेंड्स, आपके घर में बहुत काम आएगी अगर आप इस तरह से रीयूज़ चीज़ों को यूज़ करेंगे तो। अदरवाइज़ आप कुछ महंगा ख़रीद भी सकते हैं, बट मैं महंगा नहीं ख़रीदती हूँ, बस घर के ही चीज़ों से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ ताकि वो मुझे काम आ जाए। हर किसी के बजट में नहीं होता है कि महंगी महंगी चीज़ें या महंगे महंगे डब्बे खरीद पाए, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत काम की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी 10वीं और आखिरी टिप्स है फ्रेंड्स। जब हम लोग घर पर फ्रेंड्स जब भी कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें घी या तेल ज़्यादा हो जाता है और बाद में सारा घी या तेल ऊपर नज़र आता है, तो गलती से फ्रेंड्स अगर आपके भी सब्जी या दाल भाजी में ज़्यादा तेल या घी गिर गया हो, अगर आपको वो निकालना हो तो उसके लिए मैं आपको 2 टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स। क्या कीजिएगा, थोड़े देर के लिए सब्जी को फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो सारा तेल या घी है वो जम जाएगा और आप उसे स्पून के सहायता से निकाल सकते हो और वो तेल या घी दूसरे सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरी टिप्स है फ्रेंड्स, आप तेल जो भी सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया हो उसके ऊपर हल्का सा टिश्यू पेपर बिछा दीजिएगा, थोड़े देर में ही वो टिश्यू पेपर पूरा तेल या घी अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये रही दूसरी टिप।